चंद सिर्फ हीरो को समझा ले क्या हम अपने प्राण दे राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे जिनको नहीं है अपनी बलियत तलक पता वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं मारा था रावण क्या लाकर वह दल बाण दे राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे कि बल दिल कटे भरत के लाकर क्या पद प्राण दे राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। नमस्ते, मैं हूं जितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनरेट टाइम्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वैसे वो किसी पहचान की मोहताज नहीं, उनके नाम के आगे जो कुछ भी जोड़ा जाए वो कम है क्योंकि वो एक इतिहासकार भी है, शिक्षक भी है और सबसे बड़ी बात वो एक राष्ट्रीय कवि है और ऐसे कवि जिन्होंने इस प्रोफेशन को कभी भी कमर्शलाइज नहीं किया। उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना इसलिए ताकि अपनी कविताओं के जरिए समय समय पर जवाब देते रहे उन हुक्मरानों को जहां पर जनता की आवाज पहुंचती है। उन्होंने समय समय पर ऐसे ऐसे मुद्दों को चुना, ऐसी ऐसी बातों को चुना जिसके जवाब जनता के पास नहीं थे और सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर कमलेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खासतौर पर एक छवि नजर आती है, जो पहचान आपकी किताबें हैं उनको बड़ा इतिहासकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, राष्ट्रीय कवि भी, तीनों चीजें एक साथ और तीनों चीजों में वो मुकाम पाना था बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, खास तौर पर शिक्षक और इतिहासकार होने के साथ साथ लिखने की सब जो कला है और कम लोगों में आती है, कैसी शुरुआत है? ये व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसके परिवार से होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो संस्कार बनते हैं वही बड़े होकर के रामलीला होती थी उसमें मुझे पात्र राम का पात्र मुझे बनाया गया जी। और वो सारा का सारा पता नहीं क्यों, वैसे भी मानते हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त गुण होता है, मैंने जो संवाद लिखे वो मैंने खुद अपने लिखे। अच्छा जी, जो रामचरित मानस का पाठ हम करते थे बचपन से पारायण करता रहा हूँ, तो वो जो संवाद लिखे वो भी गीता में गीत के द्वारा, तो उससे क्या हुआ मुझे लेखन का जो अभ्यास था बचपन से था जी। और वो निखर के सामने आया गांव में बचपन में रामलीलाओं में, उसके बाद में विद्यार्थी जीवन में आया तो वहाँ भी जो विश्वविद्यालय स्तर पर कविताओं की प्रतियोगिता होती है, स्कूली स्तर पर जो कविताओं की प्रतियोगिता होती है उसमें मैंने अपनी स्वरचित कविताओं के द्वारा स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, विजेता बना। जब मैं अध्यापन के कार्य में आया तो ये सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति वाला जॉब है कविताओं को लेखन करिए, लेखन सर्वाधिक अनुकूल, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको स्वाध्याय करना पड़ता है तब आप कक्षा में जाएगी। मैं इतिहास का प्रवक्ता था तो इतिहास मेरी रुचि थी तो उसका अध्ययन तो गहन अध्ययन करना ही था, और लेखन में जो समय चाहिए वो उसमें मिल जाता है, जो परिवेश चाहिए वो अध्यापन कार्य मिलता है, और जो अध्ययन चाहिए वो भी पृष्ठभूमि उसकी मिलती है। मैं इतिहास देखिए कविता बिना इतिहास की जानकारी के संभव नहीं, उसी मूल में इतिहास को आप कितना जानते हैं। सौभाग्य से मैं मेरा विषय इतिहास रहा अध्यापन कार्य में, तो इस कारण मुझे जो अवसर मिला लिखने का तो अनुकूल परिस्थितियां मिली, ये मैंने महसूस किया और यही कारण रहा कि बचपन से जो बीज मेरे व्यक्तित्व में मेरे चरित्र में था कविता लेखन का, वो जब अनुकूल परिस्थितियां मिली तो अंकुरण हुआ। स्वाभाविक है, जैसा होता प्राकृतिक नियम होता है कि बीज जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती है उसे खाद पानी मिलता है तो वो अंकुरित होकर के बड़ा वृक्ष बनता है। मुझे मैं करहल में जैन इंटर कॉलेज में जी वहाँ अध्यापन कार्य आरम्भ हुआ था, वहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियां मिली स्टाफ के द्वारा, परिवेश जो शहर का परिवेश था, वहाँ के नागरिकों का जो सहयोग था, तत्कालीन वहाँ के
जो हमारे साथी थे उन सब से जो बीज मेरे अंदर पड़ा हुआ था कविता का वो प्रस्फुटित हुआ और वो धीरे धीरे पौधा बना, फिर पुष्पित तो पल्वित होने लगा। आज जो आप देख रहे हैं सारा पेड़ भी वहां से जो गांव से और कहल से, मैं जब इटावा आया ट्रांसफर होके स्थानांतरण के बाद तब तक मैं वृक्ष बन चुका, मेरी पहचान निवासी सर हो चुकी थी। मैंने गणतंत्र दिवस पर लाल किले का प्रकाश पाठ बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो मैं जा चुका था और अन्य बातें भी जो होती है अनुकूल देश में नाम हो जाना, कविता से पहचान हो जाना, ये सब हो चुका। तो ये सारा मैं मानता हूँ कि बिना परिवेश के संभव नहीं है। तो बड़ी बात होती है, सारांश ये है कि पारिवारिक संस्कार और परिवेश इन दोनों ने मुझे कविता लिखने मेरा रुख किया, रुझान किया और आज आपके सामने। बड़ी बात होती है सर, जिस समय रामलीला में रोल निभा रहे और साथ साथ हनुमान जी का लिखा है, बहुत बड़ी बात होती है। हमने इतिहास का भी जिक्र किया अपनी चर्चा, उससे पहले जिक्र आपने किया श्रीराम, एक समय था इस देश के अंदर जब राम की प्रमाणिकता मान ली गई, कहा गया था कि राम तो काल्पनिक है। देश में उस समय जो विपक्ष था वो उस बात को सोच रहा था कि हम क्या जवाब दें सरकार को, क्या कहें, राम की प्रमाणिकता हम कैसे साबित करें। जनता के मन में सवाल था कि क्योंकि आस्था तो सबका विषय है, सबकी आस्था है, लेकिन अब कह दिया गया कि प्रमाणिकता क्या है। ऐसे में 100 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कवि सामने आया और राम का प्रमाण जो लोग मांग रहे थे उन्हें एक ऐसा जवाब दिया कि सब शांत हुए और वो आप जैसे इकलौते ऐसे कवि जो आप सामने आए और आपने जवाब दिया। सर आज जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो उनके मन में भी ये उठा है कि एक बार फिर से वो सुने प्लीज। पहली बात तो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस समय इस कविता का लेखन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में देश पूरा मुझे प्यार करता है इस कविता की वजह से, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उस समय राम से तो कई विवाद आया था, 2007 की बात संभव है, और वो सेतु समुद्र परियोजना थी जिसके द्वारा समुद्री यात्रा समुद्री दूरी कम करने का एक प्रस्ताव था कि भाई अगर हम श्रीलंका में इस रास्ते से निकाला जाए तो उस रास्ते में आ रहा था जो हमारी सदियों की मान्यता है, परंपरा है, आज भी अगर वहां जाए तो जो राम सेतु है वह श्रीलंका को जोड़ने वाला एकमात्र स्थली मार्ग है। आप भले ही उसमें 2-3 मीटर पानी को गया हो, कुछ परिस्थितियां 60 के दशक में कुछ थोड़ा की वजह से, लेकिन इसके बाद भी वो पूर्ण तरह का जो था जो कृति थी वो नष्ट नहीं हुई, और उसके प्रति आस्था भी थी लोगों में, क्योंकि रामेश्वरम हमारा वहां सब जानते हैं हमारा तीर्थ स्थल है। मेरा मानना यह है कि आस्था पर कभी जब चोट होती है तो समाज आहत होता है, आस्था आहत होती है। अब चूंकि सत्ताधारी लोग उस परियोजना को सही सिद्ध करने के लिए उतावले थे, आम जनमानस उससे आस्था पर चोट मार रहा था, तो उस आम जनमानस की आस्था को कमतर करने के लिए ये तर्क दिए जाने लगे कि राम सिद्ध कैसे, राम कुछ भी राम तो काल्पनिक पात्र है, और अगर काल्पनिक पात्र है अगर हुए थे तो प्रमाण होता उससे, इस तरह की बयानबाजी होने लगी। यहाँ तक कि जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां भी एक सरकार द्वारा एफिडेविट दिया गया कि काल्पनिक पात्र से। इन सबके बीच कविता लिखने की प्रेरणा का आप समझते हैं कि कवि समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल कविता समाज की दर्पण होती है। उस समय जो जनभावना थी, जो जनभावना का उभार था, वो ये कह रहा था कि राम वो आप काल्पनिक पात्र कह रहे हो, हमारी आस्था में चोट है, तो प्रमाण क्या दे सकते हैं भैया, हमारी जो मान्यता है आध्यात्मिक मान्यता है सनातन दर्शन की मान्यता है सदियों पुरानी घटना है, बिल्कुल राम को का समय हम युगों से मानते हैं, सत्य त्रेता युग द्वापर पर कलयुग हमारी घटना कालगणना अलग तरह की है, और इस कालगणना के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतिहासकार बिल्कुल तो नहीं हूँ बड़ा, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी हूँ,
इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कालगणना जो होती है वो जो आधुनिक साधन है, आधुनिक मानक है, हमारी कालगणना उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। हम हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष बाद का हम सूर्यगणना बता देते हैं, कालगणना अलग तो है, तो उस कालगणना के अनुसार राम का काल हमारे अलग मान्यता है। अब इतने पुराने समय की कोई भौतिक चीज कैसे हो सकती है, कहा गया अगर मैं हुए तो भौतिक प्रमाण होता हूँ, तो उस समय जो जन भावना थी मैंने उसको एक दर्पण के रूप में कविता लिखी, और उस कविता में मैंने कोशिश की कि जो मैंने किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष का अनुरोध नहीं किया, मैंने अपनी बात कही कि यो जो जन सामान्य में अवधारणा है, जन सामान्य में आस्था है, वो वैसे भी देखा जाए तो राम इस देश की आस्था के प्रति, बिल्कुल सर, राम इस देश की संस्कृति के प्रति, राम हमारे जीवन के प्रति, जीवन दर्शन के प्रति है, क्योंकि व्यक्ति जब भी बात करता है घर परिवार में तो राम एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने लग गया। तो जब हमारे राम रग रग में बसे हुए हैं, हमारे संस्कारों में राम है, हमारी आस्था में राम है, तो उन पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया गया तब मैंने ये जवाब दिया था, एक कविता लिखी थी। तो वो कविता उस समय लिखी कविता जब भी सुनाया तो आंदोलित करने वाली कविता थी, लेकिन जब उसके अनुरूप समय आया, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया जी, उसके बाद भूमि पूजन हुआ जी, तो वो जो समय था उस समय में उस कविता का महत्व समझाया लोग, अरे ये कविता कमलेश शर्मा के द्वारा कही जाती है, लोगों ने फिर, और तब तो ये भी था कि सोशल मीडिया अब ज्यादा प्रभावशाली है, बिल्कुल, और उसने उस कविता को जन जन तक पहुंचा दिया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु की कृपा से और श्रोताओं और इस देश की जनमानस की सुनने के कारण वो कविता के द्वारा पहचान बना पाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसके लिए अपने इष्ट की उत्तर प्रदेश के कुछ नेता लोग हैं जो रामचरित मानस पर सवाल करेंगे, रामचरित मानस की चौपाइयों को जोड़े दोहों पर सवाल करेंगे, तो इसलिए आज भी जब ये जरूरी हो गया आपकी कंपनी के जरिए कुछ संदेश जाए आपके चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहूँ मेरे तो सदैव से रहा है कि मैं कभी विवाद जवाब नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू से मेरा, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमारी मर्यादा है, मैंने सदैव मर्यादा का ख्याल रखा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों को रामचरित मानस की एक चौपाई का अर्थ नहीं मालूम जी, वो आज व्याख्या कर रहे हैं, जो लोग शुद्ध पूरा एक वाक्यांश नहीं बोल सकते, मैं नाम नहीं ले रहा, आप उनको टीवी के माध्यम सुनते भी होंगे, उनके बयान सुनते होंगे, तो जो शारीरिक भाषा होती है और शब्द विन्यास होता है, वाक्य विन्यास होता है जो प्रयोग करते हैं, उससे उनका भौतिक स्तर मालूम पड़ता है, आप किस स्तर पर आप बात कर रहे हैं। तो जिनका भौतिक स्तर ही विस्तारित है वो रामचरित मानस की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। और होता क्या है कि ये जो राजनीति है ना, जब राजनीति भारी हो जाती है तो फिर वो शिकार ढूंढती है जी, कि हमें शिकार मिले, जिस समय वोट मिले, ये सब शिकार ढूंढने का उपक्रम है जी। रामचरित मानस न तो उन्होंने पढ़ी है, बिना उसका अर्थ कर सकते हैं, और अर्थ तो बाद में करें, मैं कहता हूँ चुनौती देता हूँ, एक वाक्यांश पूरा सही बोले जी, एक वाक्यांश बोले उस संदर्भ में जो बात करते हैं, जो लोग एक वाक्य में छह बार तक के कलाम बोलते हो, जिनको पूरा वाक्य बोलना नहीं आता हो, वो रामचरित मानस पर हमें उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल ये आश्चर्य बन रहा है। अब रहस्य इसका, मैंने फिर वही बात कही कि इतना सॉफ्ट टारगेट है, कोमल निशाना है ये सनातन सनातन आश्रय, उस पर कोई भी चूक कर सकता है। अब होता क्या है कि जब प्रतिक्रिया मिलती है, अब समय बदल गया, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जो साधन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन है, इनके द्वारा जन जन तक वो बात पहुंच जाती है, तो जब जन जन तक बात पहुंचती है तो जो प्रतिक्रिया आती है उससे फिर उनका जवाब भी मिलता है जी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रामचरित मानस को और इस विवाद को, राम के होने के विवाद को मैं लगभग समान मानता हूँ, बिल्कुल समान इसलिए मानता हूँ कि रामचरित मानस में उन्हीं राम की कथा है जिनको ये काल्पनिक बताते थे, तो इन्हें तो ये लगा ना
कि ये आसान साधन मिल गया। और जब किसी एक वोट बैंक को अर्जित करने के लिए जानबूझ कर जब प्रयास किया जाता है, उस प्रयास के रूप में इनके बयानों को मैं मानता हूँ और वो असफल है। इस देश में आस्था कभी आत्म नहीं होगी, आस्था कभी समाप्त नहीं होगी, इस देश की एकता कभी समाप्त नहीं होगी। चंद लोग हैं जो दिखते होंगे सफल हो जाए, लेकिन इन विवादों को उठा करके हमारी एकता को जो तोड़ना चाहते हैं, हमारे इस राष्ट्र की संकल्पना है जो हमारी जिसको तोड़ना चाहते हैं, वो असफल होंगे, मैं जानता हूँ। बिल्कुल सर, इसीलिए क्योंकि जब वो विवाद उठा था और आज विवाद जब लगातार चल रहा है, तो इसीलिए जब आपका इंटरव्यू मुझे कर रहा था तो जब मैंने ट्वीट किया और बताया कि आपने ऐसे से शर्मा इंटरव्यू हुआ, इसीलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप उसे वो कविता जरूर सुनिएगा और रिवर्स सुनने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक माना कि वो कविता आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विश्व में, देश में और श्रोताओं दर्शकों तक जाए। मैं आपका आभार करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं शुरुआत करता हूँ, देखिए आप बहुत चर्चित कविता है और इस मोबाइल के युग ने उसको घर घर और जन जन तक पहुंचा दिया है। मैं पुनः आपको कोई कविता सुनाता हूँ, सुने आप। चार पंक्तियों से मैंने जवाब दिया था कि मुक्तक स्वर भी करता देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं, जिनको नहीं है अपनी बलियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। मैं कुछ प्रमाण देते हुए भूल करता हूँ। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे है, रोम रोम में चंद सिर फिरों को समझा ले, क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। बहुत ही प्रमाण दे। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ वही शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत नाक रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरे लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। लोग पता पूछ रहे थे जी कि इधर राम हुए थे, पता क्या है, एड्रेस क्या है। मैं पता बताता हूँ, जो जनमानस मानता है जी, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में जो साधन को मानते हैं दर्शन को, उनके बारे में बात करता हूँ कि हमारी मान्यता क्या है, राम का पता क्या है। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे वेरों में,
राम मिलेंगी जहाँ चाह है, राम मिलेंगी जहाँ चाह है, विश्वमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिल कटे भरत के, जिसके बल दिल कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, हाथ का कण कण साक्षी है राम। उनके लिए क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए, इस पूरे समाज के लिए क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। अंतिम बंद रखता हूं कि राम का विरोधी कौन होता है, उसका निदान क्या है, शास्त्र संबंध बात रखता हूं सुने आप। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल भे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरि हर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। मेरा एक स्पष्ट कहना है, सनातन दर्शन के अनुसार राम का नाम दोषण का नाम होता है, और ये दोनों अक्षर हमारे सांस से जुड़े हुए हैं, सांसों के आरोह अवरोह से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा है तो मैं टिप्पणी करता हूँ कि जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत गोम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझा ले क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए। जब मैंने सिर्फ यूट्यूब पर मोबाइल पर कई कविता को सुना, गीत को सुना, आज पहली बार आपके मतलब सामने बैठ कर सुना, मेरा सौभाग्य अंदर से नहीं, जब मेरा सौभाग्य है कि अंदर से गद्य जो है वो मैं जो अपने आप रोंगटे खड़े हो, इतना मतलब अंदर से आप सुना। आज की तारीख में भी सर कुछ ही मतलब 6-7 दिन पुरानी बात है, इस देश में लोकतंत्र का एक नया जश्न मनाया जा रहा है, नई संसद बनी थी जिस पर हम सब तरक्की कर रहे हैं, और उसको लेकर सर विवाद उठा आपने देखा, कुछ लोगों ने तो एक ट्वीट किया और उसकी जो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है एक ताबूत बताया, उसको ताबूत की फोटो पोस्ट की और नई संसद की फोटो पोस्ट की, तो ताबूत पहले विवाद राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन ना कराने को लेकर, बाद में घुमाया कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं मिला, और अंत में क्या उद्घाटन हो गया और कोई नहीं आया विपक्षी दबाव से, ऐसे विवाद सर क्या संदेश देते हैं बाहर? देखिए आपका प्रश्न बहुत ही गंभीर है, देश की राजनीतिक दशा इस समय है, एक साहित्यकार होने के नाते, शिक्षक होने के नाते उसे देख के मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ। राजनीति इस देश की कभी ऐसी नहीं रही कि जो एक तरफा हो गया जी, जब विरोध के लिए विरोध होने लगे
जी, और उस ग्रोथ में देश ग्रोन हो जाए और व्यक्ति स्वार्थ बड़े हो जाए तो फिर चिंता का विषय होता है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, जब भी जो देश स्वतंत्र होता है किसी गुलामी से जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलता है तो ये मनोविज्ञान उस देश की जनता का होता है कि वो गुलामी के चिन्हों को दूर करने का प्रयास करता है। हर देश के साथ प्रयास होता है, भारत में भी है, भारत ने गुलामी झेली है और उस गुलामी के चिन्ह को हम हटाना भी चाहते हैं। नई संसद को मैं अन्य विवाद में नहीं जाता जी, नई संसद को मैं भारतीयता का प्रतीक मानता हूँ जी, विशुद्ध हमारे द्वारा बनाई हमारी अपनी संसद है, बिल्कुल इसे अंग्रेजों ने बनाया जी। एक तकनीकी रूप से देखा जाए तो 100 वर्ष पुरानी एक इमारत को हम कब तक होते, बिल्कुल एक तकनीकी रूप से बात करता हूँ जी कि भाई आखिर तो हमें नहीं बनाना बनाना। और ये बात अलग है कि आप आशिम हुआ तथ्य ये कहता है जी इस संसद को बनाने का प्रस्ताव पिछली सरकारों का है जी, बिल्कुल पिछली सरकार दिया वो आप अलग है, वो एक अलग पक्ष है कि उसका कितना बजट प्रस्तावित किया जा रहा था क्या हो रहा था। फिर नई संसद का बनना समय की आवश्यकता थी जी, हम कब तक 542 सांसदों को उसमें बैठा लेंगे, 2600 प्रस्तावित है, जनसंख्या के अनुपात से सांसदों की संख्या बढ़ना है, 26 में होना है तो उन सबको कहाँ बैठा लेंगे। मैं अपने गृह जनपद की बात करता हूँ, हमारा जनपद जो है वो लोकसभा क्षेत्र इटावा मानते हैं लेकिन ये औरैया जनपद सिकंदरा तक जाता है, ये संसद का क्षेत्र है तो संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा है तो आखिर में उसका संसद होगा, बिल्कुल सदस्य बढ़ाएंगे कहाँ बैठाते। तो मेरा मानना है नई संसद तो नहीं थी, इसमें जो ये गया कि भव्य बनी। आप जरा कभी विदेशी चैनलों के मैं देख रहा था, विदेशी पड़ोसी देश के चैनल को देख रहा था, मैंने वीडियो देखा कि वहां के लोग कह रहे थे कि हम 75 साल में यहाँ तक आ गए कि वो एक ऐसी शानदार विश्व की सर्वाधिक सुंदर मजबूत और आकर्षक बिल्डिंग बनी है, उसे ताबूत कहते हैं लोग। अब लोगों के दिमाग काफी घुसा हुआ हो तो मानसिकता की बात होती है, हम नकारात्मक जब होते हैं तो हमें अच्छी चीज भी बुरी लगती है, ये वो चश्मे से हम लाल रंग का चश्मा लगाए तो हमें सभी चीज भी लाल दिखेगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारतीय संसद की जो इमारत नई बनी है किसी भी दृष्टिकोण से उसे नकारा नहीं जा सकता, उसकी आलोचना मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक हमारे स्वदेशी हमारे निर्मित भारत के द्वारा निर्मित विदेशी गुलामी का प्रतीक कोई बिल्डिंग थी, हमारी मजबूरी थी कि हमें उसमें चलाना था, हम नहीं बना पाते। कई बार ऐसा होता राज्य जब नए बनते हैं विधानसभा नहीं बन पाती है, कार्यालय नहीं बन पाते, पुरानी इमारतों से काम चलाना पड़ता है तो हमने चला लिया ना। अब इसके बाद नई इमारत बनी है तो जो आप जब प्रस्ताव कर रहे थे तब अच्छा था, किसी दूसरे ने बना दी तो वो तो कम समय बनी, आप 29 महीने बनी तैयार हुई। मैं उस विवाद नहीं जाता किसको बुलाना चाहिए था किसको नहीं बुलाना चाहिए था, कौन आया कौन नहीं। हमारे यहाँ शादी में बताता हूँ कि सांप की गर्दे से लड़ाई है जी, घर में भाई टूट जाता है, अच्छा ये भैया ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया है, उसकी बहुत ज्यादा समाज में पूछ हो गई है, तो अब उस ईर्ष्या के कारण भाई आई का शादी में शामिल होगा लगभग यही हमारे अभिप्राय। मैं इशारों ये कह रहा हूँ अच्छा जो काम हमें करना चाहिए था जो हमारा ठेका था वो ये क्यों कर रहे हैं, मूल ये ईर्ष्या है। अब उस जब हम कुतर्क करते हैं कुतर्क के लिए, अब ये बताओ आप एक कुतर्क सुन रहा था मैं कि इतना पैसा खर्च कर दिया जी, ये पैसा अस्पताल में लग जाता, ये पैसा नहर बनाने में लग जाता। भाई मेरे वो अस्पताल भी बन रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था इस समय दौड़ रही है। आप खुद कहो, आप विदेश में जाके खुद कहो जाके कि बाप कंगाल हो गया है, अरे कंगाल हो गया तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैं उनमें नहीं जाता लेकिन मैं अपनी नई संसद को गर्व से स्वीकार करता हूँ, मुझे गर्व है कि हमारे भारत की अपनी संसद है, हमारे द्वारा बनाई संसद है और विश्व की विशालतम विश्व की सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक इमारत बनी तैयार हुई है, हमें उस नई इमारत का स्वागत करना चाहिए और वो ईर्ष्या उन्ठा इन सब अलग करके।
चूंकि राजनीति से मेरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि साहित्यकार हूँ तो समझता तो हूँ और देश की जनता बहुत समझदार है, लगातार समझ रही है इसकी आलोचना क्यों की जा रही है, ये कारण सबको मालूम है और कुतर्क कभी भी स्थायी नहीं प्रभावित होता है। इसलिए मैं पुनः नई संसद के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय है जनता के द्वारा निर्वाचित है और सम्माननीय है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा भव्य इमारत बनी है और सर्वाधिक कम समय में बिल्कुल कम बजट में, ये सब हम लोग सब पढ़ रहे हैं सब जानते हैं कि पिछली सरकार के द्वारा प्रस्तावित इमारत का बजट कितना अनुमानित था और ये आप सब लोग बनी है तो मैं मानता हूँ अच्छा ही बना है, इसलिए हमें स्वागत करना चाहिए और अपने पूर्वाग्रह छोड़कर। बिल्कुल सर, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं क्लोजिंग करूंगा, लेकिन जाते जाते आज की तारीख में जो देश में चल रहा है 2014 में सरकार बदली और उसके बाद से अभी इस बीच कई तरह के विवाद बीच में उठे, कुछ लोगों को बल्कि ज्यादा संख्या ऐसी है जिन्हें ये सरकार बहुत पसंद है और इस पर रहना कुछ करता है और पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी करते हैं और ये लोकतंत्र में होता रहता है, लेकिन सर आज की स्थिति पर आज देश कहाँ खड़ा है उस पर सर बस ये चाहूंगा कोई चार पंक्ति सर आपके आखिर इसी से क्लोजिंग करो। पहली बात तो जी आपने कहा कि देश कहाँ खड़ा है, जी मैं आपसे आश्वस्त भाव के साथ कहता हूँ जी मैं भी देश के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल देश जहाँ खड़ा है मैं वहां खड़ा हूँ, बिल्कुल सर, और इसको किसी पक्ष विशेष का पक्ष नहीं माना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, साहित्यकार कलमकार देश के लिए होता है देश के लिए लिखता है, मुझे दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है कि देश हमारा कहाँ खड़ा है और जहाँ खड़ा है आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल देश का जनमानस भी समझ रहा है, मैं भी वही खड़ा हूँ उस देश के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, और जब देश का गौरव बढ़ता है जब देश का देश की आन बान शान बढ़ती है तो हमें भी अच्छा लगता है, हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश की माटी में खेला हुआ हर बच्चा किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो उसे अच्छा लगता है क्योंकि हमारा भी देश नस्ल का है, तो ये तो एक अच्छी बात है। और जहां तक समापन पर तक अपनी भाव में कहना चाहूंगा कि कहां से समापन करो, मैं एक मेरा मुक्तक है राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न होता है, लेकिन मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ चैनल से अनुमति चाहता हूँ कि एक मुक्तक अपनी ओर से एक मुक्तक आपकी इच्छा के अनुसार देता हूँ, एक मुक्तक मुझे घुमा दो इशारा, बिल्कुल सर आपने जो राजनीतिक परिवेश की ओर इशारा किया है मैं इशारा कर रहा हूँ, बिल्कुल देश से बड़ा कोई नहीं होता मेरा मानना है, और जब बात विरोध देश के विरोध तक पहुंच जाए तो मैं उसका विरोधी हूं, सीरियस बात, आपने कहा कि लोकतंत्र में सहमति असहमति एक अंग है, खूबसूरती है उसकी सुंदरता है कि उसमें सहमति होती है जो असहमत होते हैं, लेकिन वो असहमति जब देश के विरोध तक पहुंच जाए मैं उससे असहमत असहमत क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता। और वैसे भी एक बात इस परिवेश में एक और बात करना चाहूंगा कि ये हमारी सामाजिक परंपरा है कि घर की लड़ाई को घर में रखने देते, कभी भी घर की बात को बाहर जो लाता है सड़क पर जो लाता है बाहर कहता है उसे हम ये दृष्टि देखते हैं कि उसे इतनी समझ नहीं है कि घर की बात को बाहर क्यों करो, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप ही समझ रहे होंगे हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, आप विरोध को देश के विरोध तक ना पाए, जी व्यक्ति का विरोध करिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन देश गलत में जा रहा है देश नष्ट हो रहा है देश बर्बाद हो गया हमें देखे तो हमें देखे कहा देश कहा बर्बाद हो रहा है और ये विवाद तो चलते रहते हैं, ये तो लोकतंत्र आज से नहीं सदियों पहले से चल रहे हैं सदियों बाद तक चलेंगे, तो हमारा घर है हमारा परिवार है तो हम कभी आपस में नाराज ही हो सकते हैं, लेकिन हम पड़ोसी को और दूसरे घर को ये मौका नहीं देंगे हम वो हमारे घर की लड़ाई में शामिल हो। अब आप चार पंक्तियां मेरे मन से इस अगर आपकी पंक्तियों से ही क्लोजिंग करेंगे मैं चार पंक्तियां बनाता हूँ, वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता,
वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता, चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है क्षम्य नहीं होता, देशद्रोह तो देशद्रोह है क्षम्य नहीं होता। और अंतिम मुक्तक अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के बीच, हम कैसे बने, हम क्या चाहते हैं, इस देश का युवा, इस देश की जनता कैसी हो और कैसा उसका लक्ष्य क्या हो, भावनाएं क्या हो, मैं चार पंक्ति। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो। इसी भावना के साथ मैं आपके चैनल को और आप चैनल के अनगिनत स्रोत दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी मुझे बातचीत करने का अवसर दिया और मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचेगी, ये पसंद करेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया भी मिलेगी मेरी कविता पर, मेरी बातों पर। मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि आप जरूर, और मेरी बहुत मेरा जो भी सोशल मीडिया पर मैं जुड़ा हूँ उस पर भी प्रतिक्रिया मिलेगी, मैं बिल्कुल सरकार आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शर्मा जी, मैंने शुरुआत में बता दिया था किसी पहचान के मोहताज नहीं थे और वो उनकी पंक्तियों से साबित होता है। हम उम्मीद ये करेंगे कि उनकी पंक्तियां यूं ही बढ़ती जाए, लगातार वो लिखते जाए और हिंदी की जो आन बान शान वो बने, हिंदी को जो मुकाम मिलना चाहिए था जो उन्होंने पहुंचाया है वो भी लगातार पहुंचता रहे और अपनी कविताओं के जरिए, अपने गीतों के जरिए आयना दिखाने का काम हमेशा वो करते रहे। फैंस इंतजार कर रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस इंटरव्यू का, जल्दी होने वाला होगा ये भी बता दूं, और साथ ही साथ उन किताबों को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब आपके पास वो पहुंचेगी और आप उन कविताओं को बहुत बारीकी से नजदीक से पढ़ पाएंगे और उसका आनंद हम ले पाएंगे। फिलहाल हमारे खास एपिसोड में आज इतना ही, अगली बार फिर होगी कोई और शख्सियत जिनसे आपको लोगों को करवाएंगे। नमस्ते।